दोस्तों पिछले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है स्टॉक मार्केट की। अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 2 साल में एक शानदार बाउंस देखने के लिए मिला है। इससे कंपनियों के मार्केट कैपिटल में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल आया है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो इस पर काफ़ी जोखिम होता है। लेकिन देश के 2 सबसे बड़े बैंक, एक SBI और दूसरा HDFC, SBI सरकारी बैंक है और लोग सबसे ज़्यादा अपने पैसे को, चाहे से सेविंग अकाउंट की बात हो, बैंक FD की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट किसी और ऑप्शन की, सबसे ज़्यादा SBI पर भरोसा करते हैं। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC। दोस्तों इन दोनों बैंकों की इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी भागीदारी है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर अपने पैसे को निवेश भी करते हैं और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 5 या 6 साल की बात करें तो लोगों का जो नज़रिया है निवेश करने का, वो काफ़ी बदल चुका है। पहले लोग अपने पैसे को लमसम, अगर निवेश की बात होती थी तो FD के अंदर पैसे निवेश करते थे, या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट की बात हो तो लोग RD में पैसे को निवेश करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब लोग ऐसे निवेश ऑप्शन में निवेश करना चाहते हैं जहाँ पर वो कम पैसे निवेश करके अपने एक बड़े टारगेट को पूरा कर सकें। जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप सही समय पर एक निवेश प्लान कर लेते हैं तो आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं जिससे आप अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों का सपना होता है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का या फिर किसी बिजनेस प्लान का, उसके लिए भी एक बड़े फंड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप सही टाइम पर एक निवेश प्लान कर लेते हैं तो एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि निवेश कहां पर करें। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बैंक FD के अंदर ब्याज दर कम होती है। इन दोनों के बीच का एक ऑप्शन आपको मिलता है, म्यूचुअल फंड्स। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 40 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि यहाँ पर 8-8.5% की शानदार ग्रोथ देखी जा रही है। और दोस्तों जिन लोगों ने अब से 10 या 15 साल पहले म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश किया था, उनके पास एक शानदार प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। और दोस्तों अभी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको बहुत सारे फंड मिल जाते हैं। तो हमें किस फंड के अंदर पैसे को निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप ज़्यादा यानी कि 1-2 लाख रुपये निवेश कर रहे हैं तो आप बड़े फंड, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड चुन सकते हैं या फिर डेट फंड। लेकिन अगर आप थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं, 20-30-50 हज़ार रुपये, तो आप मिड कैप कैटेगरी के फंडों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसी कंपनियों में पैसे को निवेश किया जाता है जिनके अंदर फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और कंपनी अभी एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है। अगर ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनती हैं तो यहाँ से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर हम 3 ऐसे फंड लेकर आए हैं मिड कैप कैटेगरी के, जिनके अंदर आपको एक शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 50-60 या 70 लाख रुपये तक फंड भी बना सकते हैं। हम इसे कैलकुलेशन करके भी समझेंगे और एक एक करके इन फंडों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ऑल टाइम का इस फंड का जो रिटर्न है वो 20.58% है। यानी इस फंड ने पिछले 10 साल से लगातार एनुअली 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आपको 20% रिटर्न ही आने वाले टाइम में भी मिल जाता है और आप लमसम पैसे निवेश करते हैं यहाँ पर सिर्फ 1 लाख रुपये, तो दोस्तों आप अगले 25 साल में 20% रिटर्न के हिसाब से टोटल 95,39,622 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, अगर आप मंथली सिर्फ 3,000 रुपये बचत करके निवेश कर देते हैं, तो अगर आपको 20% रिटर्न मिल जाता है तो 25 साल के टाइम पीरियड में आप 2,58,80,124 रुपये का फंड बना सकते हैं। इसी कैटेगरी में सेकंड फंड हम जो लेकर आए हैं वो है SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों ये फंड 25 साल पुराना है और तब से लेकर अब तक लगातार एनुअली कंपाउंड रिटर्न इस फंड का 19.83% रहा है। लेकिन अगर आपको 19% रिटर्न मिल जाता है और आप निवेश कर देते हैं 1 लाख रुपये, कितने, 25 साल के लिए, तो दोस्तों 1 लाख रुपये 25 साल में बढ़कर हो जाएंगे 77,38,807 रुपये। यानी कि यहाँ पर आपको एक शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर अगर आप 3,000 रुपये मंथली SIP स्टार्ट कर लेते हैं अगले 25 साल तक, तो 19% रिटर्न के हिसाब से आप 9 लाख रुपये का निवेश करके 2,12,41,823 रुपये का फंड बना सकते हैं।
इसी कैटेगरी में तीसरा फंड हम जो लेकर आए हैं वो है दोस्तों मेरे एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 27.37% है, जबकि दोस्तों लगातार 4 साल से ये कंपाउंड रिटर्न रहा है। अगर आपको 25% का रिटर्न मिल जाता है और आप 1,00,000 रुपये का निवेश करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 25 साल के अंदर आपके जो 1,00,000 रुपये हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी 2,64,69,780 रुपये। जबकि अगर आप 3,000 रुपये मंथली SIP इस फंड के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं अगले 25 साल तक तो 9,00,000 रुपये का निवेश करके आप 7,12,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम इन फंड के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फंड HDFC मिड कैप फंड की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो होल्डिंग है यानी वो कंपनी जिनके अंदर आपका पैसा निवेश किया जाएगा टोटल 63 कंपनीज हैं, जिसमें टॉप होल्डिंग में द इंडियन होटल, टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ऐसी कंपनी जिनके अंदर आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करते हैं तो ये 0.85% है। फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का प्राइस अभी 142 रुपीज़ है, रेटिंग 4 है और फंड साइज 47,236 करोड़ रुपये है। सेकेंड फंड SBI मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें तो इसकी टॉप होल्डिंग में ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर आपको शानदार ग्रोथ मिलेगी, जिसमें कर्सिल, थर्मैक्स, चोला मंडप, ट्यूब इन्वेस्टमेंट यानी 61 कंपनीज में पैसे को निवेश किया गया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है 0.88% का। अगर हम फंड के NAV नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं तो यह है 198 रुपीज़, फंड की रेटिंग 5 है और फंड साइज 12,555 करोड़ रुपये है। अगर हम थर्ड फंड की बात करते हैं मेरे एसेट मिड कैप फंड की तो दोस्तों इसकी टॉप होल्डिंग में द फेडरल बैंक, भारत फोर्ज, लुपिन, को फोर्ज यानी टोटल 66 कंपनीज में पैसे को निवेश किया गया है। अगर फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की बात करते हैं तो 0.65% का एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड का NAV नेट एसेट वैल्यू का प्राइस 27 रुपीज़ है, रेटिंग 4 है और फंड साइज 11,919 करोड़ रुपये है। तो दोस्तों ये तीन बेस्ट फंड है मिड कैप कैटेगरी के, जिनके अंदर अगर आप पैसे निवेश करते हैं 1,00,000 रुपये तो यहाँ से आप 70-60 लाख रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और अपने किसी भी टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बैंक FD आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेकर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिड कैप कैटेगरी के फंडों में आप पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स के अंदर शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिली है और फ्यूचर में भी इनके अंदर म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन तीनों फंडों में भी किसी का चुनाव कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।